दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंट्रो कैसे दिया जाता है, इंट्रो बनाने की क्या क्या ट्रिक्स हैं। इसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक एक बात बताई थी और कास्टिंग डायरेक्टर्स को आपको कैसे अपनी इंट्रो वीडियो या अपनी प्रोफाइल या अपना ऑडिशन भेजना है, इसके बारे में भी मैंने आपको एक एक बात बताई थी। और इसके अलावा मैंने कुछ ईमेल आईडीज भी आपको दी थी, जिससे कि आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास अपना इंट्रो या अपनी प्रोफाइल या अपना ऑडिशन भेज सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे करूंगा बात ऑडिशन के बारे में कि ऑडिशन बनाने के क्या क्या ट्रिक्स हैं कि हम अपना ऑडिशन अच्छा बना सकें, और ऑडिशन जब हमारा अच्छा होगा तो कास्टिंग डायरेक्टर्स भी हमको सिलेक्ट कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑडिशंस की सारी ट्रिक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की बॉम्बे की बात। दोस्तों, ऑडिशंस बनाते समय बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, तभी हमारा ऑडिशन अच्छा हो सकता है। चाहे वो हम अपने घर में बना रहे हों ऑडिशन या फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस में बना रहे हों, हर जगह हमको सेम बातों का ध्यान रखना है। वो बातें मैं आपको बताऊंगा कि किन किन बातों से आप अपने ऑडिशन को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपना ऑडिशन बना रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, ताकि कास्टिंग डायरेक्टर्स को ये ना लगे कि आप ठीक से जब अपना नाम, पता और एज या अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जब नहीं बता पा रहे हैं कैमरे के सामने, तो आप कैसे एक मूवी या एक वेब सीरीज या एक सीरियल का डायलॉग आखिर कैमरे के सामने कैसे बोले। तो इस बात को ध्यान में रखें, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब भी आपको लगे कि आप डायलॉग बोलते बोलते बीच में अटक गए हैं, तो उस डायलॉग को वहीं स्किप कर दें स्मार्ट तरीके से। या ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि स्मार्ट तरीके से आप उस डायलॉग को स्किप कर सकते हैं और आप अपनी लाइन को छोड़कर आगे बढ़ जाएं, और सामने वाले को ये भी ना लगे कि आपने कोई लाइन छोड़ी। कि जब भी आप अपना ऑडिशन बना रहे होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस में या फिर अपने मोबाइल या फिर अपने कैमरे से अपने रूम के अंदर या अपने घर के अंदर, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आपको स्क्रिप्ट दी गई है या जो भी आपके पास डायलॉग है, उस डायलॉग को पहले अच्छे से पढ़ें, उस डायलॉग को अच्छे से पढ़िए, अच्छी तरह से पहले समझिए उस कैरेक्टर को, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करिए एक्ट वाली। एक्टिंग की जो प्रैक्टिस है वो आपको बाद में करनी है, सबसे पहले उसको दो या तीन बार या चार बार या पांच बार जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, जब तक आपको अच्छे से स्क्रिप्ट याद ना हो तब तक आप उस स्क्रिप्ट को पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर आप प्रैक्टिस शुरू करिए डायलॉग्स की, कि आपको एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, डायलॉग कैसे बोलने हैं। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, ऑडिशंस में कभी भी किसी का डायलॉग यूज ना करें, किसी भी एक्टर का, चाहे वो सीरियल का हो, चाहे वो मूवी का हो, कैसा भी डायलॉग हो उसको कभी इस्तेमाल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं और वो लिंक आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जब आप भेजते हैं, तो कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको उस एक्टर से रिलेट करने लगेगा, और जब वो रिलेट करेगा तो इसका नुकसान आपको होगा, क्योंकि वो सेट पर है। आप कितना भी बेटर कर लें लेकिन आप उसके जैसा नहीं कर पाएंगे, वो सेट पर है एक्टर, तो सेट के हिसाब से वो एक्टिंग कर रहा है, तो एक्सप्रेशंस भी अच्छे आएंगे, जाहिर सी बात है। और आप एक रूम के अंदर जब ऑडिशन दे रहे हैं या कास्टिंग डायरेक्टर्स के अंदर ऑफिस के अंदर जब आप दे रहे हैं ऑडिशन, तो वहां पर वो फील नहीं आ पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, हमेशा अपना ही डायलॉग इस्तेमाल करें। मैं आपको एक एग्जांपल यहां देना चाहूंगा, जितने भी हमारे थिएटर वाले भाई हैं, जितने लोगों ने थिएटर किया है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किसी पुराने नाटक को उठाते हैं और फिर उस पर एक्ट करते हैं। कोई भी एक नाटक ले लेते हैं वो लोग, तो उसी नाटक के डायलॉग्स को वो बोलते हैं। वो कभी भी किसी पुराने एक्टर का या किसी नए एक्टर का या किसी मूवी का या किसी वेब सीरीज का डायलॉग्स नहीं उठाते हैं। तो आप भी ऐसा बिल्कुल मत करिए, इससे गलत मैसेज जाएगा। दोस्तों, ओवर एक्टिंग से आपको बचना है, ओवर एक्टिंग बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप ऑडिशन बना रहे हैं तो आप जैसे हैं वैसे ही बिल्कुल ऑडिशन बनाइए, मतलब अपने अपना बिहेवियर अपने आप को चेंज मत करिए, किसी को भी कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपका ऑडिशन खराब हो जाएगा। मैं यहाँ आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ दोस्तों, जब भी आप ऑडिशन बना रहे हैं या इंट्रो बना रहे हैं, तो अपने ऑडियो का हमेशा ध्यान रखें। आपकी जो आवाज़ है
वो एकदम क्लियर, एकदम साफ सुनाई देनी चाहिए। चाहे आप इसके लिए ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास अगर माइक है तो वो भी आप अपने फोन या कैमरा में यूज कर सकते हैं। आपकी आवाज कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास साफ साफ पहुंचनी चाहिए, आपका डायलॉग उसे स्पष्ट तरीके से सुनाई देना चाहिए। जो मेरे भाई घर से ऑडिशन या इंट्रो कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास भेजना चाहते हैं, ये बात उनके लिए है, वो लोग इस बात को ध्यान से सुने। दोस्तों, जब भी आप ऑडिशन बनाने के बाद कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेजते हैं तो कभी भी वीडियो फॉर्मेट ना भेजें। आप कोशिश करें कि आप यूट्यूब पर एक अपना चैनल बनाइए, वो अपने नाम से बनाइए, वहां पर आप अपनी सारी ऑडिशंस की वीडियोस अपलोड कीजिए। आपको फोन पर जब भी मांगा जाता है कि आप अपना ऑडिशन भेजिए, तो आप ऐसा ही करेंगे, आप सीधे YouTube का लिंक उनको भेजेंगे, ना कि आप अपनी सीधे वीडियो भेजेंगे। दोस्तों, ये जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई, ये सारी की सारी मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने साथियों से सीखी हैं, और मैंने इन बातों को आपके साथ अभी शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके काम आएंगे ऑडिशन देते वक्त। तो बॉम्बे की बात में फिलहाल आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर मैं किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।